हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो आज आए हैं हम साईं मंदिर। ये पीछे मतलब साईं मंदिर बना हुआ है, ये साईं जी का मंदिर करेली में। और साईं मंदिर के साइड में ये देखो आप, पार्क है एक नंबर। ये पार्क है और मेरे साथ में है अपने राहुल भैया। तो राहुल भैया पूरा अच्छे से घुमाएंगे हमको साईं मंदिर और बताएंगे साईं मंदिर के बारे में, मतलब जो जो कुछ खास बातें हैं वो बताएंगे। और पहले आप पार्क का दृश्य देख लो और मंदिर का देख लो, ठीक है। तो वैसे यार इस साइड से तो ताला डाला है मतलब पार्क में, तो उस साइड से अभी अंदर जाएंगे थोड़ी देर। पहले चलते हैं मंदिर के अंदर गाइस। तो चलो ये गाइस, मंदिर का सीन कुछ ऐसा है मतलब बाहर से एक नंबर, और अंदर अगर हम जाते हैं तो गाइस ये मंदिर बाहर से कुछ ऐसा है मतलब अभी तो ताला डाला हुआ है यहाँ पर, क्योंकि सोमवार और गुरुवार में खुलता है शायद तक मंदिर बस, और बाकी टाइम पर बंद रहता है। हम यहाँ से जा रहे हैं तो हमने सोचा आपको मंदिर का मतलब व्यू दे दें। और ये नंदी महाराज हैं गाइस, ये छोटे से जो हो, हम पैर मेर बारह से पढ़ लेते हैं और चलते हैं हम। और जो मूर्ति है साईं जी मतलब भगवान जी की, जो मूर्ति है साईं बाबा की, वो आप देख सकते हैं मतलब मूर्ति अच्छी लग रही है फिर भी। और रात को इसका सीन और अच्छा आता है गाइस। मैं एक बार रात में आया था तो एक नंबर सीन था। और राहुल भैया भी वीडियो बना रहे हैं साईं बाबा की, तो हम भी आपको दिखा रहे हैं वीडियो। तो भाई यार पैर मेरे पढ़ लिए, अगर मंदिर खुला होता तो आपको अंदर से बताते, पर बाहर से ही बता दिया, अब ठीक ठाक है। और पार्क का नज़ारा देख लो आप एक नंबर, कि पार्क गाइस ऐसा लगता है मतलब एक नंबर शानदार। ये अभी इसके अंदर जाके बताएंगे हम थोड़ी देर से, राहुल भैया की वीडियो कंप्लीट हो जाए। राहुल भैया ज़्यादा वीडियो बनाते हैं। तो नंदी महाराज हैं, उनके भी हम पैर पढ़ लेते हैं और फिर चल रहे हैं। चलो फिर चलते हैं गाइस पार्क के अंदर। गाइस यहाँ पर एक चीज़ अच्छी है कि मतलब पानी की व्यवस्था, मतलब पीने के लिए यहाँ पे आपको ठंडा पानी मिलेगा। और अगर बैठने की हम बात करें तो यहाँ पर बेंच वगैरह हम बैठने के लिए, और पेड़ पौधे मतलब अच्छे लगे हैं पेड़ पौधे। और राहुल भैया कुछ सियान है मतलब दादाजी से बातें कर रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं मंदिर के बारे में कुछ कुछ बातें। तो गाइस ये दादाजी चले गए। दादाजी ने बताया कि मंदिर बहुत साल पुराना है, मतलब मंदिर तो अभी न्यू बना है पर मूर्ति और ये जगह मतलब बहुत पुरानी है। और राहुल भैया था पर छाया में बैठ गए मतलब पेड़ की छाया में। तो बस थोड़ी देर से हम लोग चलने वाले हैं आगे। कह राहुल भैया चलिए पार्क के अंदर जा रहे हैं और मस्त मज़ा बताएँगे आपको पार्क का, झूला झूलेंगे और सरकना सरकेंगे सब कुछ। तो गाइस पार्क के अंदर जाने को तो नहीं मिला क्योंकि ताला डरा था दोनों साइड से। तो अभी हम करेली की फेमस चाय पीने आए हैं। राहुल भैया हमको चाय पिलाने लाए हैं। एक मतलब कौन की चाय मलखान आएगी? हाँ तो राहुल भैया कौन की चाय है जी? काफ़ी फेमस दुकान है भैया करेली की। अच्छा चलो तो पी कर देखते हैं गाइस चाय कैसी, और आप भी करते हैं तो आप भी आना पिए। चलो चलते हैं गाइस चाय पीने, उसके बाद आगे चलेंगे घर या और कहीं जहाँ भी ले जाए राहुल भैया होता चला। तो गाइस दुकान के अंदर आ चुके हैं, राहुल भैया पिला रहे हैं चाय। देखा था चाय कैसी? चलो